अनुकल सुन, जरूरी बात करनी थी। बा बापू जी चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते, तू उनकी टिकट करवा दे, आज की हो तो अच्छा है। लेकिन अम्बा जी इतनी जल्दी क्या है, बा और बापू जी तो दिवाली के बाद भी जा सकते हैं ना, तब तक हेतलकरण का मसला भी निपट जाएगा। हेतल का मसला इतनी जल्दी नहीं निपटने वाला है, समझा तू? और वैसे भी उन्होंने मन्नत मानी है, वो जाना चाहते, इधर रहेंगे और परेशान होंगे, इससे अच्छा है वो चले जाए। लेकिन अम्बा जी बस अब ज्यादा बहस मत कर, तू कह रही उतना कर दे, जल्दी टिकट कटवा दे, जितनी जल्दी जाए ये लोग उतना ही अच्छा है उनके लिए। ठीक है अम्बा जी, मैं आज ही टिकट का इंतजाम करता हूँ। भले, मैं कह देती हूँ उनसे। ये अचानक से चारधाम की बात कहाँ से आ गई? वो बा और बापू जी कब से चारधाम की यात्रा के लिए जाना चाहते थे, बा ने मेरे लिए मन्नत मांग रखी है ना, इसलिए शायद अम्बा जी जल्दी से जल्दी उन्हें यात्रा पर भेजना चाहती है। अब इस महीने दिवाली का खर्चा भी उतना है, पता नहीं यात्रा का इंतजाम कैसे हो पाएगा। चले तुसी टेंशन ना लो, मैंने ना अपने खर्चे के कुछ पैसे बचा के रखे, मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि बा और बापू जी आराम से चार धाम की यात्रा कर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बचत के पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, कुछ भी करके मैं टिकट का इंतजाम कर लूंगा, मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हुआ, अब अनुकल पर मेरे पैसों में से अपना और दूसरा क्या हो गया, ये कैसी बातें करने लगे, अचानक इसे हो क्या गया? चला बा, तूने हेतल से बात की? ओ बा, इस वक्त वो थोड़े गुस्से में है ना, शांत हो जाएगी ना तो अपने आप मान जाएगी। अच्छा हुआ तेरे बापूजी और कल्पेश यहाँ नहीं थे, अरे वो दोनों यहाँ होते ना तो न जाने क्या गजब हो जाता, तेरे बापूजी तो सदमे में आ जाते अपनी पोती की बातें सुनकर। हाँ बाप, हेतल को समझाना पड़ेगा बड़ों से कैसे बात करते हैं, खासकर अपने ददिया ससुर से कैसी बात करते हैं, नाक कटा के रख दी तेरी छोकरी ने हमारी। भाई इस वक्त आप उसे कुछ मत कहना, मौका देखकर मैं शांति से उसे समझा लूंगी सब। तेरी छोकरी है, तुझे ही बात करनी पड़ेगी भारती, अगर उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया ना भारती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कह देती हूँ। आपसे कहा हे श्रीनाथ जी, अब यात्रा पे जाने की उम्र में ये किस झंझट में फंसा दिया मुझे। अरे बा, श्रीनाथ जी को क्यों परेशान कर रही, मैंने अनुकल्प से कह दिया है, वो आपकी यात्रा की टिकट करा देगा आज की ही। इतनी जल्दी? अरे अब चारों धाम की यात्रा पे जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे। हाँ वो आपके बाद दिमाग में वो शंका बैठ गई है ना, तो अच्छा है कि आप जल्दी ही अपनी मन्नत पूरी कर लो, है ना। और देखिए ना, एक के बाद एक परेशानी भी आ रही है, हेतल भी पेट से है, मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी आप मन्नत पूरी कर लो अच्छा है, तो फिर और कोई परेशानी ना आए, है ना। ये बात तो है भारती, अरे लेकिन घर में इतनी परेशानी चल रही है, ऐसे में हम लोग यात्रा पे निकल जाएंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे, है? कुछ नहीं कहेंगे, आप घूमने फिरने थोड़ी ना जा रही, आप तो यात्रा पर जा रही है, मन्नत पूरी करने जा रही, दर्शन करने जा रही, कोई क्यों कुछ कहेगा। अरे अम्बा जी अब यहाँ, वो अनुकल्प का फोन आया था, वो कह रहा था कि दिवाली से पहले कोई भी ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे, सब फुल है। बोले श्रीनाथ जी क्या होगा, इसका मतलब बा और बापूजी हमारे साथ दिवाली मनाएंगे, उसके बाद आराम शराम से ना चार धाम की यात्रा करने जाएंगे, क्यों? वो तो है छोकरी भारती, अरे दिवाली अपनों के बीच ही मनानी चाहिए। हाँ अब तो भाई हम यात्रा पे दिवाली के बाद ही जाएंगे, तू अनुकल्प से कह दे कि हमारी टिकट दिवाली के बाद ही कराए। बेचारी भारती, अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैंने चारों धाम की यात्रा पे जाने के लिए कह दिया, अब देखो टिकट नहीं हो पाई, कितनी परेशान हो गई वो। वैसे तो आपका घर है केतकी बहन, आप जब चाहे आ सकती है, लेकिन दिवाली मनाकर यहाँ आती तो अच्छा होता। वो क्या है पता नहीं, हमारे घर पे दिवाली मनाना आपको पसंद आएगा या नहीं। क्यों,
अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हाँ? अब तुझे तो सब मालूम है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना, उस हिसाब से तैयारी करके रखना। रुक एक मिनट, रुक एक मिनट, रुक शामू, एक मग्गे से ज्यादा उस गमले में मत डाल। कितनी बार बोलू? हाँ नानकी सुन, इस बार दिवाली मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ ही मनाऊंगी, मतलब मनाऊंगी। अब उसके लिए तुझे क्या करना है कैसे करना है तुझे सब पता है, बराबर चले बात। चलो रखती हूँ फोन। जी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण नानकी, जय श्री कृष्ण। पता नहीं केतकी बहन को क्या हो गया, क्यों दिवाली हमारे साथ मनाना चाहती, और उन्हें कैसे टिकट मिल रही? बाबा बापू जी को तो दिवाली से पहले यात्रा जाने के लिए टिकट नहीं मिल रही। पता नहीं क्या होगा, ये 25 साल पहले शुरू हुआ झगड़ा क्या रंग दिखाएगा। जी आप अकेले में किससे बातें कर रही? कोई प्रॉब्लम शॉब्लम है क्या? पाठ कर रही थी मैं, पाठ चाट कर रही थी ऐसे। क्या अंबाजी तुसी भी ना मुझसे छुपा रहे हो? बाय गॉड, मुझे तो बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, देखिए अंबाजी कोई बात तो जरूर, आप इस तरह से मुझसे नहीं छुपा सकती, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, बता दीजिए ना क्या बात है। वो क्या है, वो बाबा बापू जी जाना चाहते हैं ना यात्रा पर, टिकट नहीं मिल रही इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, अच्छा नहीं लगता। अंबाजी आपको सच में ऐसा लगता है कि अभी तक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जान पाई? इतनी सी परेशानी होती ना तो आप इतने परेशान कभी नहीं होते, कोई ना कोई बोझ लेके तो आप जरूर घूम रही हैं। मैं देख रही हूँ आपको आजकल, आप बड़ी परेशान है। देखिए मुझे बता दीजिए क्या बात है। है, बहुत बड़ी बात है। तो बता दीजिए, मन का बोझ बिल्कुल हल्का हो जाएगा। भाई गॉड जल्दी बताइए क्या हुआ। वो मेरी बहन केत की बहन यहाँ आ रही है हमारे साथ दिवाली मनाने। केत की बहन? मेरी बड़ी बहन केत की बहन देसाई। ले ये खाली इडली खा ले बेटा, जिद नहीं करते। एक सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, ऐसी हालत में भूखा रहना अच्छा नहीं, खा ले। दादी क्रिचन है कोई? क्यों जिद कर रही हो, कहो ना नहीं मन कर रहा है कुछ खाने का मेरा। क्या थोड़ा सा खा ले। खा लीजिए ना हेतल भाभी, हमारा गुस्सा ननी सी जान पर क्यों निकाल रही है? प्लीज उसे तकलीफ मत दीजिए। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? बिना बताए आई इसीलिए चौंक गई हैं आप? I'm sorry हितल भाभी, मैं बिना बताए आ गई। ना ना वो तो ऐसे ही मैं थोड़ा खिला रही थी तो। लेकिन जब से आपकी प्रेगनेंसी की खबर मिली है ना, मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही। पता चला क्यों परेशान हूं मैं? बा और केत की बहन को एक छत के नीचे रखना मतलब तुम लोग की भाषा में बारूद और माचिस को साथ में रखना। पता नहीं कब क्या हो सकता है, समझी ना आप? इसलिए चाहती थी कि केत की बहन के आने से पहले बा और बापूजी यात्रा पर चले जाए तो। आप ठीक क्या नहीं अंबाजी? सच्ची ये बड़ी अंबाजी की आवाज तो इतनी सख्त है कि मेरी भी बोलती बंद हो गई एकदम। बड़ी अंबाजी नहीं, मासी जी बस। और उनके सामने तो मैं सिर्फ नाम की अंबाजी रह जाऊंगी, वो तो हर चीज में मेरे से 10 कदम आगे है। अब से भी आगे? अब वैसे अंबाजी एक बात पूछूं, ये बड़ी मासी जी इन्हें तो पता भी नहीं है ना कि मैं और वीर जी पंजाबी हैं, हम दोनों का क्या होना है? यही तो सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है भाई। ठीक है तुसी टेंशन ना लो, हम दोनों संभाल लेंगे, मिलके कुछ कुछ तो कर ही देंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। बस केत की बहन खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए और पापा मुझे खुश रहे। और अंबाजी एक बात और पूछू क्या, ये मासी जी जो है ना ये इंटरकास्ट मैरिज के इतना खिलाफ शिलाफ क्यों है?
उनके बेटे ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, इसीलिए केतकी बेन ने अपने बेटे से ही सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तोड़ दी? पर अभी तक बात नहीं की, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है इतना। अगर वो अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है तो जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा दामाद और मेरी बहू दोनों पंजाबी है तो वैसे भी वो तो आपसे भी ज्यादा सख्त। पता है भाभी, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मुझे सूजी का हलवा खाने का बड़ा मन करता था। हीतल भाभी, अगर आपकी भी कोई खास पसंद हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, कल मैं खुद बनाकर लेकर आऊंगी। पर प्लीज आज फूई जी के लाए हुए फ्रूट्स खा लीजिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा ना तो भी आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे बच्चे की सेहत के लिए। प्लीज हीतल भाभी, हमारे छोटू के लिए फ्रूट्स खा लीजिए। मुझे पता है स्वीटी, इतना दिमाग है मुझ में, पता है मुझे कि बच्चे की सेहत के लिए क्या अच्छा होता है और क्या नहीं। हमें पता है आप में बहुत अकल है, बहुत कुछ जानती हैं आप, लेकिन अभी आप परेशान है ना, अपनी सारी परेशानी भुलाकर प्लीज खा लीजिए ना। बस बस बस, रहने दो स्वीटी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को मेरी कितनी फिक्र है, ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हीतल भाभी, आप ऐसे मत बोलिए, हमें आपकी बहुत फिक्र है, इसीलिए तो मैं आई हूं, यही कहने के लिए कि अगर आपका घर आने का मन नहीं है तो आप मत आइए, लेकिन आप जहां भी रहें खुश रहिए। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मैं ये मन्नत का धागा लाई थी आपके लिए, इसे बांध लीजिए। इसे आपको और हमारे आने वाले बच्चे को नजर नहीं लगेगी, लीजिए। मुझे दे दे, कल सुबह पूजा हो जाएगी ना, बाद में मैं ही बांध दूंगी। हाँ इसलिए मैं खुद बांध दूंगी। थैंक यू फूई, प्लीज हीतल भाभी का ख्याल रखना। हाँ। अच्छा मैं अभी चलती हूँ। हाँ जे दीपावली के साथ साथ एक और खुश खबर है, हमारी हेतल माँ बनने वाली। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो आपको। अरे हाँ, सोहम कैसा है, उसे अब तक विधिवत गोद लिया या नहीं? तो हा? क्या करूं फूई, क्या करूं? देखा आपने कैसे बात करी थी, जैसे मेरा बच्चा नहीं उसका बच्चा हो। शांत हो जाए इतली, उससे होने से कुछ नहीं होगा, मेरी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हो जाने दो फूई, हो जाने दो, अपने बच्चे के बिना जीने से अच्छा है मैं अपने बच्चे के साथ मरी जाऊं। चुप कर, बार-बार अंदर से बात की तो एक उल्टे हाथ के झपट दूंगी ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। शर्म नहीं आती, जिन माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसी के सामने मरने की बात कर रही है तू? वरना तो कह दू मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है जो तू इतनी बिगड़ गई है। प्लीज फूई, कम से कम आप तो मत डांटिए मुझे, मैं सचमुच थक गई उस परेशानी से, बहुत थक गई। आप ही सोचिए ना, मैं कैसे जी पाऊंगी अपने बच्चे के बिना, मैं क्या कर। बस इसीलिए मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी फूई, ताकि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। लेकिन सब गड़बड़ हो गया फूई, करण अभी भी अपना बच्चा स्वीटी को देना चाहते हैं। हाँ शांत रहे, बस एक बार बच्चा इस दुनिया में आ गया, करण ने बच्चे को अपने हाथों में ले लिया, फिर देख
वो उसी मुंह से स्वीटी को बच्चा देने से इनकार कर देगा, समझी? माफ हुई, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा यकीन मान, मैं तुझ पर कभी कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। दो टिकट्स भी नहीं हो सकते, कोई जुगाड़ छुगाड़ करो ना। नहीं बहन जी, दिवाली से पहले सारी ट्रेनें बसे फुल हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। दिवाली बाद की बुकिंग चाहिए तो बोलो। नहीं ठीक है, देखती हूँ। कृष्ण जी आप भी कुछ कर लो, दिन भर अम्बा जी जय श्री कृष्णा करती रहती है। वापिस सोचिए, टिकट चिकट्स का इंतजाम नहीं हुआ अम्बा जी कितना टेंशन में आ जाएंगे, और ना उन्होंने सैंडविच बन जाना है बा और मासी जी के बीच में। प्लीज उनकी हेल्प कर दो, कुछ तो कर दो आप। हेलो, मैं जी सतगुरु ट्रैवल से बोल रहा हूँ जी। आपने चार धाम में टिकट के लिए फोन किया था ना? हाँ मैंने किया था, क्यों? बस का टिकट चलेगा क्या? ये द्वारका के दो टिकट मिल रहे हैं। अरे पर चार धाम तक जाना है ना बाय गॉड। बहन जी मेरी बात तो सुनिए, सर द्वारका जी वो दिवाली के दिन पहुँचेंगे, दो चार दिन वो वहाँ रुकेंगे, दिवाली मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद ट्रेन के टिकट का इंतजाम कर देता हूँ मैं। आगे की यात्रा आराम से ट्रेन में हो जाएगी जी। अच्छी, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, दिवाली के बाद तो टिकट का कोई पंगा ही नहीं है जी, बस उन्हें द्वारका में चार दिन रुकना पड़ेगा। फिर देरी किस बात की, बुकिंग शुकिंग कर दो आप, मैं पैसे भिजवा दूं। बहन जी टिकट तो हो जाएंगी लेकिन भिजवाने में थोड़ा मुश्किल है, वो जी दिवाली है ना, सारे लड़के गांव गए हुए हैं। तुसी टेंशन ना लो, किसी को भेजना क्या है, मैंने खुद ही आके आपसे टिकट ले जाने हैं ना, बस आप तो जल्दी से बुकिंग शुकिंग कर दो। हाँ मैं आके ले जाती हूँ। ठीक है। क्या बात है कृष्ण जी, आपने तो एक बार ही सुन ली मेरी बात। वाह, अब ना मैं टिकट्स लेके सीधा अम्बा जी के हाथ में रख दूंगी, कितनी खुश हो जाएंगी अम्बा जी। वो क्या कहते हैं ना कि अंदर से इमोशनल हो जाएंगी और खुशी के मारे आंसू चाचू आ जाएंगे उनके तो। दीपावली के साथ साथ एक और खुश खबर है, हमारी हेतल माँ बनने वाली। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो आपको। अरे हाँ, सोहम कैसा है, उसे अब तक विधिवत गोद लिया या नहीं? तो यहाँ पर तो आना ही था, वरना कोई कुछ कहे ना कहे लेकिन अम्बा जी की डांट जरूर पड़ जाती है, क्यों बा? हाँ बिल्कुल पड़ती, यहाँ तक आए और अगर हमें मिलने के लिए समय नहीं निकाला तो डांट तो पड़ेगी ही ना। वो तो अधिकार है आपका। अरे लेकिन बातों बातों में आप सबको विश करना तो भूल ही गई, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे बेटा ये सब करने की क्या जरूरत थी, आप दोनों को और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? सुलोचना ताई, सविता ताई, अर्चना, मानव, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अरे मोना कहाँ है? अनुकल से तो मुलाकात हो गई थी ऑफिस में, लेकिन मोना से मुलाकात छोड़िए, बात तक नहीं हुई अभी तक। बाहर गई है काम से, आती होगी। अरे लेकिन आप लोग मुंह तो मीठा करो। दीपावली के साथ साथ एक और खुशखबर है। खुशखबर? हाँ, हमारी हेतल माँ बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो आपको। अरे हाँ, सोहम कैसा है, उसे अब तक विधिवत गोद लिया या नहीं? अरे बातों बातों में तो काफी टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो रहा है, यहाँ से अगर निकले नहीं तो लेट हो जाएंगे स्टेशन के लिए। बेटा लेकिन मोना से तो मिलते हुए जाओ। नहीं बाब, मुश्किल हो जाएगा, अभी हम रास्ते में से फोन कर लेंगे। अच्छा चलो, दीपावली के शुभ अवसर पर आए हो तो शगुन तो लेते जाओ। अरे नहीं बा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं, ये बड़ों का आशीर्वाद है, मना नहीं करते। बा खुशी खुशी दे रही है ना, ले लो। थैंक यू बा। खुश रहो, खुश रहो।
चलते हैं हमारे घर पे, सबको याद देना, संभाल कर जाना। हाँ चल। संस्कारी बच्चे भारती हैं? हाँ बहुत ही संस्कारी और सुलझे हुए। मेरा तो मन ही खुश हो गया। पर देखिए ना बात, समय कहाँ निकल गया, दिवाली सर पर आ गई, इतना काम बाकी है। भारती ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, थोड़ा बहुत बना लेंगे और पूजा कर लेंगे बस। मैं भी वही सोच रही थी। पाते शाते चल रही है भाई गॉड। वो सतीश और वर्षा आए थे, तुझे मिलना चाहते थे पर ट्रेन का वक्त हो गया तो निकलना पड़ा, कहा कि तेरे साथ फोन पर बात कर लेंगे। तू गई कहाँ थी? मैं नामुमकिन को ना मुमकिन शुमकिन करने गई थी बाय गॉड। ओ बात भाई, हमें भी तो पता चले कि हमारी बहुरानी हिमालय की कौन सी चोटी पर झंडा फहराने गई थी। बा उससे भी ज्यादा मुश्किल काम करने गई थी मैं बाय गॉड। टैंटर है बस के टिकट, कल दोपहर की द्वारका जाने की बस है।